जनाब जनाब जी जी जनाब, मैं आ रहा, बिलाल आ रहा हूँ भैया जी। रंगरेज जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कबर खुदने की बात है, इसके तो कोई भी इसके समर्थन में नहीं है, मगर ऐसी भाषाओं का मर्यादाओं की जो उल्लंघन का मामला बीजेपी भी करती आई, जर्सी गायें, 50 लाख की गर्लफ्रेंड और पता नहीं कितने सारी चीजें उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहा, रेनकोट पहन के नाचते मोदी, ये सारी चीजें मोदी जी ने भी कही। मगर क्या बात है भैया जी, बात ये सारी चीजें कही गई, सबको पता है, मगर इसका तो हम विरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। ऐसा मतलब अगर आपके एक नेता को पकड़ लिया जाएगा तो आप ऐसी जो वक्तव्य देंगे ये देश के लिए और हमारे लिए सबके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जी जी, मैं एक मिनट आया जी। प्रतीक जी, इस देश में अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो मैं ऐतिहासिक कहूंगी, जो पिछले अगर रिसेंट हिस्ट्री की बात करते तो अगर मोदी जी के ऊपर जितने भी अटैक हुए उनकी बात करें, चाहे तानाशाह कहा जाए, मौत का सौदागर, रावण रेबीज से ग्रसित कहें, या फिर नीच आदमी, जितनी बार भी कांग्रेस की तरफ से अपशब्द मोदी जी की तरफ से आए हैं, इतिहास गवाह है कि मोदी जी ने अपने तरफ आए हुए हर अपशब्द को इस्तेमाल करके अपनी जो ऊंचाई है उसको बढ़ाया है और अपनी जो अगर कहें हर दिन जो उनकी नया आयाम है उनकी प्रसिद्धि का उसमें उसको बढ़ाते गए और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया है, हर एक चुनाव में ये गवाह है। लेकिन फिर भी कांग्रेस नहीं सीखता, वो जनता तक नहीं पहुंचे, ना ही जनता के मुद्दे उठाते, वो सिर्फ मोदी और मोदी करते हैं, मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको विपक्ष में बिल्कुल जगह नहीं है, इज्जत मांगते फिरते कि भाई हम इस देश का विपक्ष है, हमें इज्जत दे दो। उनको ये नहीं पता कि इज्जत काम करने से मिलती है और इज्जत कमाई जाती है। आप अगर देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो देश की जनता आपको, वो दिन दूर नहीं है कि जब आप सड़कों पर लोगों के हाथ पैर जोड़ते नजर आएंगे, अब तक तो वो हाथ से हाथ जोड़ो कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हाथ पैर जोड़ो अभियान चलाएगी कांग्रेस। हाथ पैर जोड़ो जी, कहाँ से आना हुआ, बहुत देर से पान खा रहे हैं आप। तेल्हाड़ा नालंदा। कहाँ से? तेल्हाड़ा नालंदा। तेल्हाड़ा नालंदा, गांव का नाम बता रहे हैं? गांव का नाम नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है तेल्हाड़ा में रहते थे, और तेल्हाड़ा में खुदाई हो रही है लेकिन किसी कारण से बंद है, इसलिए मेरा आपके से कहना है कि उसकी खुदाई अविलंब चालू करवाई जाए और विरासत को संभाला जाए। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ आँख का ऑपरेशन कराने के लिए। आँख का ऑपरेशन कराने आए थे जी जी। मैं ये कह रहा था कि ये पब्लिक है, सब कुछ जानते हैं कि अंदर क्या है बाहर क्या है। कांग्रेस की ये हंस हो गई कि अतीत से सीखती नहीं है, कांग्रेस कभी भी अतीत में अपना देखती नहीं कि जो इमरजेंसी लगाया और आज बोलती कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, इन लोगों का तो हक भी नहीं बनता है कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर जाए जी। सर सिंपल सी बात यह है कि थोड़ा बहुत बोलना तो चलो समझ में आता है, आप एक किस दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हो तो समझ आता है, बट आप प्राइम मिनिस्टर की मॉम के बारे में, उनके फादर के बारे में, जैसे जब वो नरेंद्र दामोदर मोदी बोलते हैं वहां पे गलत बोलना, वो सर थोड़ी मर्यादा को ज्यादा मतलब लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए। आई एग्री, लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए। मैं आया, कवि जी आया आज, कवि जी इधर कहां खड़े हो, अंदर आ जाओ, कवि हो आप, नहीं शेर है, कवि जी अंदर आ जाओ। वांट टू से समथिंग अबाउट मोदी, अबाउट द कंट्री, वांट टू से, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज जॉ। जॉ, प्लीज कम फॉरवर्ड, जॉ। Yeah, he's from Australia. Yeah. So I can't understand anything that you say. But about the country and the Prime Minister. Correct, but I know it's about politics, and India has the world's largest democracy, and you should be very proud of that. That's a good thing. Even if there's differences of opinion, that's fine. That's a good democracy, but you've got the biggest one. You have fair and safe elections, so well done, India. सबसे बड़ी चचा इधर चेहरा दिखाओ भाई, चचा आने 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 आगे आने तो चचा आगे आओ वो तुम वहां पे हमको दम घुटने लगता, पीछे रहते हो जब। सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी बोल रहे थे, सबसे बड़ी जमहूरियत है डेमोक्रेसी है, मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता, भागे नहीं है आ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी डेमोक्रेसी जो है जबरदस्त है जी। एक शेर किसी का याद आया मुझे इसी बात पे कि कभी जी आजकल चोरी का शेर पढ़ रहे हो? नहीं मुझे याद नहीं है, मैं मुझे इस मुद्दे पे, मेरा मुद्दा तो अलग है। हाँ बोलिए। हाँ शेर इरशाद कि मुझे इस मुद्दे पे एक याद है, किसी शायर का लिखा है कि सर के जख्मों से अंदाजा हुआ है साहब, सर के जख्मों से ही अंदाजा हुआ है जनाब, सर के जख्मों से ही अंदाजा हुआ है, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ कि सर के जख्मों से ही अंदाजा हुआ है कि कांग्रेस की गली में कोई पत्थर ना बचा हो शायद। मैं इतना ज्यादा ना किया करो तो क्रिटिसाइज तो ठीक है,
लेकिन इतना अच्छा हमें भी नहीं लगा, है ना? मजा नहीं आया बिल्कुल, बिल्कुल नहीं मजा आया, रुको, मजा नहीं आया बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल नहीं मजा आया, आपको आया? नहीं आया सर। हाँ बिल्कुल, शेर का भी आपने दुरुस्त वैसा कर दिया, इतना बात नहीं ठीक है। वक्त